आगे चल करके, सुख में आगे और दुख में पीछे। ज्यादा मीठा बोलने वाला जो आपके मुंह पे मीठा मीठा बोले वो आपका कभी सगा नहीं हो सकता, क्योंकि मुंह पे मीठा बोलने वाले अक्सर पीछे बुराइयां किया करते हैं। मिठाई में अक्सर कीड़े पड़ जाते हैं, नमक में कभी कीड़े नहीं पड़े। अगर आपने कहीं बुराई कर दी या कोई गलत काम कर दिया तो शायद एक दिन में वो बुराई 100 कोस फैल जाए, और कोई अच्छा काम करके देखना मुश्किल से मुश्किल 2-4 कोस पहुंच पाए। बुराई आपकी 1000 कोस फैलती है। देखा होगा दूध बेचने वाला घर घर जाता है और लोग पूछते कि भैया दूध में पानी तो नहीं मिलाया, बोलता नहीं मिलाया। लेकिन दारू बेचने वाला कभी घर घर नहीं जाता, लोग ठेके ही में बैठ के पिए तो पानी मिला के पिए थे, बोली गोविंद भगवान की। ये कलयुग की रीति है। हमने देखा है कि यहाँ लोग अगर मुर्दे को हाथ लगा दे, बुजुर्गों मुर्दे को हाथ लगा दे तो घर पे किसी को छूने नहीं देते खुद के शरीर को। बोलते मैं मुर्दे को हाथ लगा के आया हूँ, पहले नहा लूं उसके बाद मैं खाना खाऊंगा। और यहाँ मछली मांस अंडा सब हजम, बेजुबान को मार के खा जाते हो तो नहाने धोने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एक लाश को हाथ लगा दो तो नहाते हैं यहाँ के घर पे। किसी भी चीज की कीमत मायने नहीं रखती, उसका कृत्य मायने रखता है। अगर कीमत मायने रखती तो पायल 1000 रुपए की आती है लेकिन पैर में पहनी जाती है, और बिंदी 5 रुपए की आएगी लेकिन माथे पे लगाई जाएगी। नई सदी से मिल रही दर्द भरी सौगात, बेटा कहता बाप से तेरी क्या औकात। पानी आंखों का मरा मरी शर्म और लाज, कहे बहू अब सास से घर में मेरा राज। एक पिता को जब बच्चा छोटा होता है, यहाँ ये जो बैठे हैं ना, नहीं भैया पीछे भी है ध्यान देना, जब आप छोटे थे ना तो पिता से पूछते थे कि पापा सामने वृक्ष पर कौन है, तो पिताजी सर पे हाथ फेर के जवाब देते थे। पिताजी कहते थे कि बेटा ये कौआ है। फिर बच्चा पूछता था पापा ये कौन है, तो बोलते थे कौआ है। फिर बच्चा पूछता था पापा ये कौन है, तो सर पे हाथ फेर के और हंस के जवाब देते थे कि बेटा ये कौआ है। एक बार नहीं, बाप को बच्चा 50 बार पूछता था तो वो बाप हंस के ही जवाब देता था। लेकिन आज के जमाने में जब ये जवान हो गए और तुम बूढ़े हो गए तो कहते हैं दादा, कहते हैं कि अब अगर आपस में बातें कर रहे हो और धीरे से पिताजी पूछने का कह रहे हो लल्ला, तो एक बार तो बता देंगे और दोबारा को पूछ लेगी ना, सुनाए ना नहीं दोबारा और बता दो, तो कहते बुढ़ापो है अब चुपचाप बैठे रहो, जरूरी है सब बातें तुम्हें बता दे। कुछ बातें अपनी भी होती है। एक बोध था जब बाप को 1000 बार पूछते थे तो 1000 बार बाप जवाब देता था। महाराज मैया द्रौपदी कह रही है कि महाराज अंधे के अंधे ही पैदा होते हैं, ये बात दुर्योधन के चुभ गई। Thank you.
छुप गई तो दुर्योधन ने जाएगी मामा शकुनी से कही है कि मामा हमें द्रौपदी ने ऐसे वचन बोले हैं उनका बदला लेना है। तो महाराज शकुनी जो था वो जुए में बड़ा निपुण था, जुए के खेल की तैयारी हुई और बर्बादी के तीन ही रास्ते हैं, जुआ, सट्टाबाजी और शराब। आदमी खूब पैसे वाला हो और ये तीन चीजें अपना ले खुद पे खुद बर्बाद हो जाएगा, खेती तक बिक जाएगी। लिखा है कि चोरी जैसा धंधा नहीं और अगर मारना हो तो, चोरी जैसा धंधा नहीं अगर मारना हो तो, और जुए जैसा खेल नहीं अगर हारना हो तो, जुए जैसा खेल नहीं अगर हारना हो तो। खीर जैसा भोजन नहीं बीमार ना हो तो, और मैया जैसी ममता नहीं तकरार ना हो तो, मैया जैसी ममता नहीं तकरार ना हो तो। अरे भैया जैसा प्रेम नहीं, भैया भैया जैसा प्रेम नहीं गर्रार ना हो तो, और पत्नी जैसा प्रेम नहीं बगकार ना हो तो, पत्नी जैसा प्रेम नहीं बगकार ना हो तो। भगवत श्रोताओ, जुए का खेल हुआ तो जुए के खेल में पांडवों को बिठा लिया, और जब जुआ खेलने के लिए बैठ गए, धर्मराज ने मना भी किया कि मैं जुआ नहीं खेलता, लेकिन शकुनी जवाब देने लगा है कि डरिए मत, ये आपस में तो खेल रहे, कौन सा किसका कुछ लिए जा रहे हैं। महाराज पांडव हारते चले गए और अंत में मैया द्रौपदी का नंबर आया तो अंत में मां द्रौपदी को भी उस जुए में रख दिया। इशारा किया है दुर्योधन ने दुशासन से कि जा भैया, जाए कि भाभी को सम्मान में लेके आ, आज मेरी उस बात का बदला पूरा होगा। जब चला है दुशासन, मैया द्रौपदी के निकट पहुंचा तो मां द्रौपदी ने जवाब दिया, रे दुशासन जी, आज आप मेरे महलों में क्यों आए हैं, क्या बात है? तो बोले दुशासन कि तुम्हें सभा में बुलाया गया। मैया द्रौपदी ने जवाब दो कि हमें सभा में क्यों बुलाया गया? बोले अरे कुछ काम है, आपसे बात करनी है, आप सभा में चलिए। तो द्रौपदी मीठे स्वर में बोली है कि हे देवर जी, आप मेरी एक बात सुनिए, जहां पिता गांधार मैया गांधारी द्रोणाचार्य पितामह भीष्म 100 कौरव 5 पांडव सब बैठे हो, वहां मुझे जाने की जरूरत नहीं। और माताओं से निवेदन है, जहां 5-10 पुरुष आपस में बात कर रहे हो वहां माताओं को बीच में नहीं बोलना चाहिए। अड़ोस पड़ोस में लड़ाई भी हो जाए पुरुषों में तो माताओं को बीच में नहीं बोलना चाहिए। घर में सास बहू की देवरानी जिठानी की लड़ाई हो जाए तो पुरुषों को बीच में नहीं बोलना चाहिए,
क्योंकि ये सुबह लड़ेंगी और शाम तक इकट्ठी हो जाएगी। और अगर बीच में घर के व्यक्ति बोल गए तो भाइयों भाइयों में झगड़ा हो जाएगा और लड़ाई और बढ़ जाएगी। इसलिए जितना हो सके खुद पर संयम रखना सीख लीजिए। ये जो अहंकार है ये ही हमें और आपको किसी न किसी दिन डुबा देगा। अच्छा एक बात बताइए माताओं, खीर बनानी आती है? खीर आती है? बोलो ना हाँ या ना। कई कई की जरूरत पड़ती है? कई जरूरत पड़ती है? दूध, चावल, चीनी और मेवा। मेवा मीन्स काका बता ना, मतलब हंसके दिखा दिया। इतने बेटे का वो बनानी आते? दूध, चावल, चीनी, मेवा और कुछ है? लौंग, ये सही है। लौंग और केसर और कुछ सोच ले, शायद खीर की खिचड़ी बन जाए। इलायची, हाँ एक और बड़ी खींचते रहो। और कुछ हो गया? मतलब मेवा जो भी पड़ती हो, केसर, इलायची, लौंग, इतनी चीजें पड़ती हैं खीर में। लेकिन हमारी समझ में जो खीर होती है, जो मुझे पसंद है, वो दूध, चीनी और चावल, बस मेन है। अब मेवा तो ब्रेकर को काम करते भाई, जितो खीर को डेकोरेट करो बाप तुम्हारी मर्जी है। लेकिन भैया वो जो मेवा होती है ना भाई, 10 घंटा चबा तब तो वो पेट में जाए। दूध, चीनी, चावल लिमिट है। अब खीर में एक चीज आप लोग भूल गए, पता क्या? नींबू काट के उन्हें छोड़ दे। नींबू खीर खाई है आप लोगों ने? खाई है? अरे बताइए भैया, नहीं खाई आपने? पक्का नहीं खाई? हमने नहीं खाई। आप अगर खीर में नींबू डाल दोगे तो क्या होगा? खीर फट जाएगी। ऐसे ही महाराज, ये हमारा और आपका जीवन है, इसमें प्रेम रूपी दूध, मेवा रूपी हवन की सामग्री, कृष्ण प्रेम रूपी चावल और ये भक्ति रूपी चीनी, मिठास रूपी जो चीनी है भक्ति रूपी, और अगर इसमें अहंकार रूपी तो नींबू की बूंदे डाल दी तो महाराज पूरा जीवन बर्बाद हो गया। जैसे कि नींबू से खीर फट सकती है, ऐसे ही अगर इस जीवन में हमने और आपने अहंकार रूपी तो बूंदे डाल दी तो समझ लेना पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए भक्ति करो, प्रेम करो, सब करो, लेकिन महाराज अहंकार को मन में मत पाना। स्वयं द्रौपदी जब मना कर रही है जाने के लिए, लेकिन वो अहंकारी दुशासन केसों को पकड़ता है और जवाब देता है, ऐसे कैसे नहीं जाओगी, चलना तो पड़ेगा। तो मैया ने जवाब दो है,